नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में डाबरी इलाके के पास एक विसल ब्लोअर पर जानलेवा हमला हुआ है। शुक्रवार की देर रात भ्रष्ट पुलिस वालों के खिलाफ स्टिंग करने वाले विसल ब्लोअर चेतन शर्मा पर मोटरसाइकिल सवार दो बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई। हमले के वक्त चेतन शर्मा अपने कुत्ते को घर के बाहर टहला रहे थे कि अचानक घात लगाए बदमाश गोलियां चलाकर फरार हो गए। हमले में घायल चेतन शर्मा को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं हमले में उनके कुत्ते की मौके पर ही मौत हो गई। हमले के वक्त चेतन शर्मा को मिले सरकारी सुरक्षाकर्मी महज 80 फीट की दूरी पर खड़े थे। चेतन ने हमले के लिए पुलिस वालों और स्थानीय पार्षद पर हमले का शक जताया है। इस घटना के बाद चेतन शर्मा और उनकी पत्नी का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। सामने गली में से जिधर से मैं घुसा था उधर से मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए, तो मैं उनकी शक्ल नहीं देख पाया। मैं तो सोचा कि वो निकलने वाले होंगे गली में से, मैं साइड में खड़ा हो गया कि मोटरसाइकिल वाले निकल जाएंगे, कुत्ता इनके पीछे ना भागे कहीं काटने के लिए। तो मैं जैसे ही साइड में खड़ा हुआ, उन्होंने तुरंत मेरे ऊपर फायर कर दिया, दो तीन राउंड उन्होंने मेरे ऊपर फायर किया तो मेरे एक हाथ में लग गया। एक बीजेपी का पार्षद है, निगम पार्षद पवन राठी, मेरे इलाके का पार्षद है। तो इन्होंने पहले भी मुझे एक झूठे केस में खुद अपने गोली मार के मुझे फंसाया, इन्होंने 307 के मुकदमे में। इनके ऊपर मुझे शक है और दूसरा दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी मेरी काफ़ी एविडेंसेस चल रही हैं कोर्ट में। उनकी तरफ से भी कई धमकियाँ काफ़ी मेरे को आ चुकी हैं कि अगर गवाही दी तो मार देंगे। मैंने इस चीज़ की शिकायत कोर्ट्स में भी दे रखी है, हर जगह दे रखी है। मेरे को गोली की आवाज़ आई थी, मेरी सास को, दूसरी मंजिल पर थे हम, तो उन्होंने खिड़की खोल के देखा तो वो बोले कि चेतन की गोली लग गई। उन्होंने देखा होगा और उन्होंने बताया कि कुत्ते को मार दिया, कुत्ता पड़ा हुआ है। तो ये सुन के मैं सीढ़ में से उतर के भागी हूँ, इनको पकड़ा है। पड़ोस के एक लड़के को बोला कि ले चल गाड़ी में, यहाँ पर फिर दीनदयाल है।